गल करते हैं उस मीटिंग की जिसका इंतजार किया जा रहा है कि किसान दिल्ली जाएंगे और की कोई किसान गलबात लई शर्त रखेंगे। ये सारिया चीज़ा हुण साफ हो गई ने, किसान जथेबंदियां ने केंद्र का गलबात का सद्दा भी कबूल रहा और किसी तरीके की कोई शर्त नहीं रखी गई। हाँ, ये जरूर कहा गया कि गड्डियां चला के माल गड्डियां चला के माहौल नूं होर सुखावां बनाया जाए तो गलबात होर चंगे तरीके नाल हो सकती है। किसान जथेबंदियां ने लेकिन यह साफ कर दिता कि वह कल मीटिंग दे लई जा रहे ने दिल्ली विज्ञान भवन के अंदर, कल 11 बजे ये बैठक होने जा रही है। किसान जथेबंदियां ने अज लंबी चंडीगढ़ दे विच एक बैठक की, जिस तों बाद फैसला किया गया कि 30 जथेबंदियां दे नुमाइंदे कल केंद्र दे 2 मंत्रियों दे नाल बैठक करन लई दिल्ली जाणगे। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अते रेलवे मंत्री पीयूष गोयल दे नाल कल दिल्ली दे विज्ञान भवन विच 11 बजे ये बैठक होने जा रही है। खेती कानून वापस लए जाण तक हालांकि किसानों ने ऐलान किया कि उन्हां दा अंदोलन जारी रहेगा। जे गलबात राही सिट्टा नहीं निकलिया तो उन्हां दा पहलां तो उलीकिया गया प्रोग्राम 26 अते 27 नवंबर नूं दिल्ली घेरन दा वह भी जारी रहेगा। नाल ही 18 नवंबर नूं चंडीगढ़ विच किसान जथेबंदियां एक होर बैठक करनगियां जिस विच अगली रणनीति उलीकी जाएगी। अज लगभग 5 घंटे ये बैठक चली तो उस तों बाद इस नतीजे ते पहुंचा गया कि 29 जथेबंदियां जिन्हां नूं सद्दा दिता गया सी और कुल 30 जथेबंदियां अपने नुमाइंदियां दे नाल कल केंद्र दे 2 मंत्रियों नूं मिलन जा रही ने। दिवाली मशाल जगा के मनाई जाएगी तो अंदोलन इस तरीके नाल जारी रहेगा। आओ सुनते हैं इस मीटिंग तो बाद की ऐलान किया गया किसान जथेबंदियों। सर्वसम्मति नाल फैसला किया भी असी वह गलबात तो कभी भी नहीं भजे जथेबंदियां, तो कल भी असी जावांगे तो उन्होंने गलबात टेबल पर यही रखांगे कि भी साढ़े जोड़े 3 कानून ने जिन्हों तो 45 दिन तो उपर हो चले जथेबंदियां लड़ाई लड़ रही ने भी ये वापस किए जा रद्द किए जा। ही जोड़ा अंदोलन साढ़े चल रहा वो ज्यों दे त्यों चलता रहेगा। गड्डियां चलाने बारे भी कल रेलवे मंत्री भी उत्थे बैठे साड़ी मीटिंग उन्होंने भी कहांगे भी गड्डियां चलाइया जान माल गड्डियां जिहड़ियां कि ऐ लग रहा जिवें पंजाब नाल धक्का करके रोकिया हुई ने। 26-27 नूं जिहड़ा ऑल इंडिया च असीं फैसला किया होया पंजाब दीआं सारे जथेबंदियां ट्रैक्टर ट्राली ते दिल्ली दा घराओ करनगियां उह विरोधबंदी बन चुकी आ। कल जे कोई गल साड़ी नहीं निबड़दी वह साडा ज्योंदा तो 26-27 जिहड़ी तरीक कही हुई आ हजारां ट्रैक्टर ट्राली लखां च किसान अपना राशन नाल लैके ट्रैक्टर ट्रालिया च तंबू ला के पक्के तौर पर दिल्ली घेरन तक जाणगे जब तक ये 3 कानून वापस नहीं ले जाते जब तक संघर्ष उत्थे लड़िया जाऊगा। तो जिहड़ी दिवाली आ उह दिवाली वाले दिन असीं मशाल जगा के ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਜੋਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 310 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਸੀ ਉਹ 350 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 520 ਰੁਪਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਿਆ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? देखो पहली गल तो अज जी किसान यूनियन वाली किसान भवन च मीटिंग हुई है, उस मीटिंग मुख तौर पर 30 दी 30 जथेबंदियों के लीडरशिप ने जिहड़ा मंथन किया 5 घंटे मीटिंग की जिहड़ा सद्दा प्रवान किया भावें जो जानकारी मिली है किसान जथेबंदियों के मन में रोस सी ये रंज सी भी सानू पहलों क्या भी ट्रैक तो पिछे हट जाओ, फिर क्या प्लेटफार्म तो पिछे हट जाओ, फिर क्या रेलवे स्टेशन चो बाहर निकल जाओ, सारा कुछ करन दे बावजूद माल गड्डियां नहीं चलिया। जिहदा तो जापदा भी भारत सरकार का वतीरा उन्हां प्रति बहुता चंगा नहीं गा, पर इहदे बावजूद सारियां किसान जथेबंदियां ने इस गल नूं मुख रख के
भारत सरकार का सद्दा प्रवान किया भी कितने ये गल ना जाए बदनाम ना किया जाए भी किसान जथेबंदियां गलबात तो भज रही ने। दूसरी जिहड़ी किसान जथेबंदियां ने साफ कर दिता जिहड़े पहलों चलते संघर्ष ने भावें टोल प्लाजियां दे घराओ ने भावें मॉल दे घराओ ने वह उस तरह चलते रहेंगे और 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली चलो का प्रोग्राम भी उन्हां दा स्टैंड करता है। एक गल आई सी जिवें अमृतसर की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सद्दा प्रवान नहीं किया इस बुनियाद नहीं किया भी ऑल इंडिया जिहड़ी सारिया किसान जथेबंदियां उन्हां नूं सद्दा देना चाहिए उहदे बारे भी 30 जथेबंदियां ने स्पष्ट किया भी ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी जिहड़ी है उसकी सहमति नाल ही वो जा रहे हैं क्योंकि अंदोलन सब तो पहले पंजाब के किसानों ने शुरू किया। हुण दूसरी गल जिहड़ी नरेंद्र पाल जी बड़ी अहम है जिहड़ी तुसीं कही है सवाल है भी एक पासे वो भारत सरकार एक पासे उस भारत सरकार के खेती मंत्री जिहड़े कहिंदे ने भी खेती कानून ते किसानां दी कायाकल्प कर देणगे दूसरे पासे उस सरकार दे मंत्री अधिकारी ये कहिंदे आ रहे ने भी ये तो गुमराह होए किसान ने यह तो विचोलीए ने जिहड़े संघर्ष कर रहे ने और दूसरे पासे किसानां दा इक्को ही डिमांड है भी खेती कानून रद्द किए जाण सानूं प्रवान नहीं। हुण कल जदों 11 बजे दिल्ली मीटिंग होगी इन्ना वड्डा जिहड़ा खप्पा आ फर्क वह किवें पूरिया जाएगा ये बहुत वड्डा सवाल है। जिवें तुसीं दिवाली दी गिफ्ट दी गल कीती असीं कामना करदे गिफ्ट मिले पर जे कल दी मीटिंग विच्चों बेसटारी कुछ ना निकलिया तो यह समझा जा सकता भी पंजाब बहुत वड्डे अंदोलन दे राह पै सकदा है। बिल्कुल बहुत धन्यवाद तलोचन जी। हुण नज़रां इस बैठक ते लगियां होईयां ने कि ये बैठक विच्चों कुछ निकल के आएगा कि पिछली बार जिहड़ी इह गलबात होई सी जिस तों किसान बड़े निराश हो के उतों वापस आ गए सन कृषि भवन च यह गलबात उस वेले होई सी ऐतकी विज्ञान भवन च गलबात हो रही है और इस बैठक दे विच्चों की कुछ विच दा रस्ता निकल सकेगा शंका दे कई बदल ने। वजह यह है कि किसान चाहते ने कि खेती बिलां नूं मूलों रद्द किया जाए सिरे तो नकारिया जाए जदों कि सरकार ये कह रही है कि ये जिहड़े बिल ने ये किसानां दे हित विच ने। हुण विच दा रस्ता की होएगा विचाले दा रस्ता की होएगा कि किसान थोड़ा फ्लैक्सीबल होणगे कि सरकार थोड़ा चुकेगी इन्हां सारियां चीज़ों के इन्हां सारियां चीज़ों पर निर्भर करेगा कि कल की बैठक का सिट्टा की निकलता है। कल ये बैठक तुहानू दस दिए कि 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन च होएगी। PTC News तुहानू लगातार इसकी अपडेट पल पल की अपडेट तुहाडे तक पहुँचाउंदा रहेगा।